तो कैसे हैं मेरे दोस्तों? सीधे पॉइंट पे आता हूँ, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं बोलूँगा। तो मैं जब अमरी हॉस्पिटल गया तो उसका एक मैंने छोटा सा क्लिप छोड़ा था अपने यूट्यूबर्स पर, तो जिसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप अमरी हॉस्पिटल में गए हैं, हम तो बहुत दूर दूर से हैं, तो हमें बताइए वहाँ अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं। तो इससे पहले मैं कभी वीडियो वगैरह बनाया नहीं था, तो इतना बोलने के बाद मैं सोचा एक वीडियो आप लोग के लिए बना ही देता हूँ। तो अमरी हॉस्पिटल में 22 तारीख को गया था, और उसके साथ साथ मैं 3-4 हॉस्पिटल और गया था, फोर्टिस हॉस्पिटल गया था, मेडिका हॉस्पिटल गया था, ये सभी भी हॉस्पिटल वहाँ का मैं आया हूँ। 3-4 हॉस्पिटल से घूम के आया मैं वहाँ के। मेनली आपको हावड़ा जाना पड़ेगा, हावड़ा से फिर सियालदह, सियालदह से फिर ट्रेन पकड़ के बागा जटनी, बागा जटनी नियरेस्ट स्टेशन है इन सारे हॉस्पिटल के लिए। बागा जटनी से सारा हॉस्पिटल लगभग पास ही पड़ जाएगा। तो क्या बोलते हैं, अमरी हॉस्पिटल जाने के बाद एक चीज़ काफ़ी अजीब हुआ। जब मैं हॉस्पिटल के अंदर जब घुस रहा था तो वहाँ पता चला मुझे कि वहाँ पे ऐसा कुछ हार्ड कॉपी लेते नहीं है, मतलब वो लोग रिज्यूम वगैरह जमा नहीं लेते हैं आपका। वहाँ पे आपको एक बाहरी एक गार्ड मिलेगा जो आपको आपको एचआर का ईमेल आईडी दिखाएगा, और वही एचआर को आपको क्या करना है, मतलब उसी ईमेल आईडी में अपना आपको रिज्यूम भेजना है एज ए सॉफ्ट कॉपी। तो मेरे ख्याल से कोलकाता बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और हद से ज़्यादा वहाँ पॉपुलेशन है, हद से ज़्यादा कोलकाता लोगों को पाल रहा है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट नहीं है वहाँ का हॉस्पिटल, क्योंकि वे यकीन मानिए जब मैं रूबे कैंसर हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे जो जो रिज्यूम बॉक्स उन्होंने बना के रखा है, वहाँ का रिज्यूम बॉक्स पूरा फुल हो गया था। और मेरे ख्याल से उन्होंने साल 2 साल कितना, जब से लॉकडाउन के बाद शायद ही उन्होंने लेटर बॉक्स खोला होगा। तो अमरी हॉस्पिटल जाइए या मेडिका हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे हाँ सॉफ्ट कॉपी ही लेते हैं। वहाँ पे आपको एचआर को अपना रिज्यूम भेजना रहता है अपने ईमेल से। लेकिन हाँ, फोर्टिस हॉस्पिटल, रूबे हॉस्पिटल, ये सब में आपका हार्ड कॉपी लेते हैं, आपका रिज्यूम जमा लेते हैं वो लोग, लेकिन आपको कॉल आएगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप लोग हो सके तो किसी छोटा मोटा सिटी में फ़िलहाल के लिए ट्राई करिए, डायरेक्ट बड़ा सिटी जाने का कोई मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे सिटीज़ जा चुका हूँ, इसलिए आप लोग को पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक है, जितना जानना था मैं आपको बता चुका हूँ, अब आगे कोई और जानकारी चाहिए होगा तो पूछिएगा।